हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी स्नेक्स 3 को, जो 2022 में रिलीज हुई है। ये एक चाइनीज स्नेक सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, इसमें भी हम ऐसे ही इवेंट्स और एक्शंस देखेंगे जो हमने स्नेक्स 1 और स्नेक्स 2 में देखे थे। और इस मूवी को आप चाइनीज जुरैसिक पार्क भी कह सकते हैं। और इसके दोनों ही पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम एक आयरन को देखते हैं जो हजारों सालों से बर्फ में छुपा हुआ था। और अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये आयरन सामने आ गया था, और इसे चाइना की एक कंपनी ढूंढ लेती है और वो इस आयरन पर एंशिएंट इकोलॉजिकल थीम पार्क बनाने लगी थी। वहीं हम एक आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर शेन को देखते हैं, जिसे यहाँ का सुपरवाइजर बताता है कि हमें यहाँ बहुत बड़े बड़े स्केलेटन्स मिले हैं, जिनकी नस्लें आज से लाखों साल पहले ही खत्म हो चुकी हैं। अब हमें एक जगह खुदाई करनी है, लेकिन वो जगह बहुत हार्ड है, तो हम उसे बॉम्ब से उड़ाने का सोच रहे हैं। और फिर शेन मिस्टर क्वान को कॉल करता है, जो इस कंपनी का ओनर होता है। और शेन उसे बताता है कि हमें यहाँ एक्सप्लोजिव्स यूज करने पड़ेंगे, जिस पर क्वान कहता है कि जो करना है करो, पर काम जल्दी पूरा होना चाहिए। इसके बाद शेन यहाँ एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट करता है, लेकिन अब इनके सामने फिर से कोई सॉलिड चीज आ जाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर उसे दो वर्कर्स चेक करने जाते हैं, तभी अचानक से वो चीज जमीन में घुस जाती है। और तभी उन सब की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि एक जायंट स्नेक है। अब इसे देखते ही सब यहाँ से भागने लगते हैं और स्नेक उन पर अटैक करने लगता है, और इसी में मिस्टर शेन भी मारा जाता है। तभी हम जमीन को हिलता देखते हैं, और अब अंदर से एक जायंट डायनासोर भी निकल आता है। अब डायनासोर स्नेक का आमना सामना होता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। अब अगले सीन में हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां रिपोर्टर बता रहा होता है कि मिस्टर क्वान उस आइलैंड पर एंशिएंट इकोलॉजिकल थीम पार्क बनाने जा रहा है, जिसकी उसने पूरी तैयारी भी कर ली है, और उसका नाम डेजर्ट आइलैंड पैराडाइज होगा। फिर अगले सीन में हम काई नाम के बच्चे को देखते हैं, जिसके साथ कुछ टाइम पहले एक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने एक पांव से सही नहीं चल पाता था। वो अपनी मॉम जियाओ से डेजर्ट आइलैंड पैराडाइज में चलने की जिद करता है, लेकिन जियाओ उसकी पांव की सिचुएशन देखकर उसे मना कर देती है, जिस पर काई उससे नाराज हो जाता है। लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो काई की बात मान जाती है। अब उस आइलैंड पर हम एक बस में कुछ विजिटर्स को देखते हैं, जिसमें काई और उसकी मॉम भी थी। साथ ही मिस्टर क्वान अपने पार्टनर मिस्टर बाई के साथ भी इस ट्रिप में शामिल था। तभी उनकी बस से बर्ड्स का एक झुंड टकरा जाता है, जिसे देखकर सब काफी डरने लगते हैं। पर उनका गाइड कहता है कि सब ठीक है, और तभी बस ड्राइवर जैंग देखता है कि उनकी तरफ बड़े बड़े पत्थर आने लगते हैं। ये देख जैंग सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान बस का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सब बस से बाहर आते हैं और बस को निकालने लगते हैं, लेकिन तभी काई को वॉशरूम जाना होता है, तो वो बाई के साथ झाड़ियों के पीछे आ जाता है। और वहीं एक टेंटिकल्स बाई के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अब काई उसे वहां नहा देखकर उसे आवाजें देने लगता है, तभी वो टेंटिकल उस पर भी अटैक करता है, लेकिन काई खुद को बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि ये एक जायंट फ्रॉग है। अब काई उससे बचने के लिए भागने लगता है, और वो एक पेड़ के तने में घुस जाता है, जहां वो फ्रॉग उस पर अटैक नहीं कर पाता, और इसी में वो तना लुड़खड़ाता हुआ खाई में गिर जाता है। दूसरी तरफ बस के पास प्रोफेसर जे उस पत्थर पर लगे ग्रीन लिक्विड को देखकर सबको यहां से फौरन निकलने के लिए कहता है। तभी वो फ्रॉग वहां पर एक आदमी को अपने टेंटिकल से खींच लेता है। अब कोई समझ पाता, तभी वो फिर से अपने टेंटिकल से एक और आदमी को पकड़ लेता है। अब ये देखकर सब डर जाते हैं और बस के अंदर छुपने लगते हैं, और फ्रॉग एक बार फिर इन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार सब बच जाते हैं। अब जियाओ को वहाँ काई नजर नहीं आता, और वो काफी परेशान होने लगती है। और तभी बस के पास वही जायंट स्नेक आ जाता है, जो पूरी बस को पकड़कर ऊपर उठा लेता है, और उसे देखकर प्रोफेसर समझ जाता है कि ये पांगू पाइथन है। अब अचानक से उसे डायनासोर की आवाज सुनाई देती है, तो वो बस को छोड़कर उस आवाज की तरफ जाने लगता है। अब बस के इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से सभी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, और सबको काफी चोटें आई थी। फिर गाइड क्वान पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि इसने बताया था यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर क्वान कहता है कि उसकी खुद यहाँ की टीम से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर क्वान कहता है कि उसकी टीम ने माउंटेन टॉप पर एक सिग्नल स्टेशन बनाया था, तो वहां जाकर हम किसी से कॉन्टेक्ट करके हेल्प बुलवा सकते हैं। पर जियाओ कहने लगती है कि उसे अपने बेटे को ढूंढना है, जिस पर क्वान कहता है कि तुम अपने बेटे के लिए इन सभी को मरते हुए देखना चाहती हो। ये सुनकर जियाओ कुछ नहीं बोलती और अकेले उसे ढूंढने निकल पड़ती है, और ड्राइवर जैंग भी उसके साथ चलने लगता है।
अब आगे जाकर उन्हें झाड़ियों में हलचल महसूस होती है और उन्हें पता चलता है कि ये तो प्रोफेसर जे और उसकी असिस्टेंट एली हैं, और वो भी उनका साथ देने के लिए आए थे। दूसरी तरफ काई उस टने से बाहर निकलता है तो वो खुद को एक गुफा में पाता है जहाँ उसे बहुत बड़े अंडे दिखाई देते हैं, और तभी काई को यहाँ किसी के आने की आहट होती है तो वो इन अंडों के बीच में छुप जाता है। फिर वो देखता है कि ये असल में डायनासोर हैं जो इन अंडों को तोड़कर खा रहा है। तभी काई की स्मार्ट वॉच आवाज करने लगती है जिस पर डायनासोर को उसके बारे में पता चल जाता है और वो काई को खाने के लिए उसका पीछा करता है जिसपे वो सारे अंडों को तोड़ देता है। अब काई उसे चकमा देकर उन टूटे अंडों में छुप जाता है पर वो डायनासोर उसे ढूंढ लेता है और तभी वो जायंट स्नेक वहां आकर उस डायनासोर को निगल जाता है और हमें पता चलता है कि यह गुफा इसी स्नेक का नेस्ट है। अब काई अंडे से बाहर आता है तो वो स्नेक को देखकर डर जाता है लेकिन वो स्नेक उसे कुछ नहीं करता क्योंकि काई अंडे के लिक्विड में डूबा हुआ था तो वो स्नेक उसे अपना ही बच्चा समझने लगता है। पर वो दूसरों बच्चों को मारा देखकर तड़पने लगता है और काई वहां से भाग जाता है। अब काई जंगल में आ जाता है जहाँ कोई चीज उसे पकड़ कर जमीन पर गिरा देती है और वो देखता है कि वो जाइजेंटिक प्लांट्स होते हैं जो उस पर अपने बड़े कांटे फेंकते हैं। अब वो उसे मारते हैं तभी वहाँ स्नेक आकर उन प्लांट्स को तोड़कर ही वहाँ से ले जाता है। फिर वो स्नेक काई के पास आता है और उसे एक कांटा लग गया था जिसे वो निकालना चाह रहा था लेकिन वो नहीं निकल रहा था, और अब काई भी समझ जाता है कि स्नेक उसे मारने के बजाय उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर काई एक डाली लाकर उस कांटे को उससे बांध देता है और स्नेक एक झटके में उस कांटे को निकाल देता है और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्वान और बाकी लोग सिग्नल स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पर पहले ही स्नेक और डायनासोर की लड़ाई में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। तभी ये जगह किसी के चलने से हिलने लगती है और ये लोग देखते हैं कि ये बहुत बड़ा डायनासोर होता है। तभी वो डायनासोर अपनी पूंछ से एक झटके में ही उन लोगों को मार डालता है। अब रात हो जाती है और जियाओ काई की स्मार्ट वॉच से उसकी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगती है। अब वो एक जगह रात गुजारने के लिए रुकते हैं जहां जियाओ फ्लैशबैक में एक जलता हुआ घर देखती है और वहां काई एक जगह जोरों से रो रहा होता है और उसका एक पांव जल चुका था। अब सुबह होते ही वो लोग काई को ढूंढने निकल जाते हैं और आगे जाकर उन्हें स्नेक स्लॉ मिलता है, यानी कि उस स्नेक ने अपनी स्किन चेंज कर ली थी, और प्रोफेसर समझ जाता है कि वो स्नेक जरूर किसी चीज की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ काई जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसे एक डायनासोर नजर आता है जो जायंट फ्रॉग को मारने के बाद उसे खा रहा था। अब डायनासोर उसे देखने ही वाला होता है कि तभी जाओ उसे बचा लेती है। वहीं प्रोफेसर पहचान जाता है कि ये इंडोमिनस रेक्स यानी आयरेक्स है। फिर ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी आयरेक्स यहाँ पर आ जाता है और प्रोफेसर के ऊपर पूप करके यहाँ से चला जाता है। अब सभी को लगता है कि वो यहाँ से चला गया लेकिन वो यहीं पर होता है और इन पर अटैक करने लगता है। इसके बाद सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और आयरेक्स उनका पीछा नहीं छोड़ता। इसी बीच आयरेक्स जियाओ और काई को पकड़ने वाला होता है कि तभी दोनों दो चट्टानों के बीच चले जाते हैं जहां उस आयरेक्स का सर फंस जाता है। इसके बाद दोनों यहां से भागने लगते हैं लेकिन तभी काई के पांव का सिस्टम खुल जाता है और जियाओ उसे फिर से लगाने लगती है। तभी यहां एक और आयरेक्स आ जाता है जिसके बाद वो दोनों इन दोनों आयरेक्स के बीच में फंस जाते हैं। अब वो उन पर अटैक करते तभी वहां स्नेक आकर उन्हें बचा लेता है और वो फिर से काई की मदद करने आ गया था। अब वो एक आयरेक्स को पकड़ कर मार डालता है और दूसरा जो काई के पीछे था उसे अपने दुम में जकड़ लेता है, और वो आयरेक्स अब अपने दूसरे साथियों को भी बुलाने लगता है जिसका फायदा उठाकर वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि अब यहाँ और भी आयरेक्स आ गए थे और उनके बीच फाइट होने लगती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लड़ाई में वो स्नेक जीत गया था लेकिन इसमें वो काफी जख्मी हो गया था जिस वजह से वो अपनी गुफा में जाकर अपनी पुरानी स्किन उतार देता है और खुद को हील करता है। अब भागते हुए वो सब एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं और स्टेशन अब उनसे कुछ ही दूर था। वहीं काई को स्नेक के लिए टेंशन होने लगती है और जियाओ काई को जिंदा पाकर बहुत खुश होती है। वहीं प्रोफेसर नोटिस करता है कि पानी का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस वजह से इस आइलैंड पर जो दूसरे क्रिएचर्स भी दफन है वो भी कुछ टाइम में बाहर आ जाएंगे, इसीलिए वो उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलने का कहता है। फिर सब यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो सभी कुछ देर में स्टेशन की साइट पर आ जाते हैं लेकिन यहाँ का सिग्नल टावर डैमेज हो चुका होता है। तभी प्रोफेसर यहाँ एक पांगू पाइथन का स्केलेटन देखता है और ये पहचान जाता है कि ये नेचुरल तरह नहीं बल्कि किसी से लड़ते हुए मरा है और वो जरूर कोई पावरफुल क्रिएचर होगा। वहीं एली नोट करती है कि यहाँ की मिट्टी और जहाँ हम आ रहे हैं उस मिट्टी से काफी डिफरेंट है, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि जरूर ये दो अलग अलग आइलैंड होंगे जो एक दूसरे से टकराकर एक हो गए होंगे, और पांगू पाइथन और आयरेक्स दोनों अपने अपने इलाकों पर राज करते हैं इसीलिए उनके बीच लाखों सालों से जंग चलती आ रही है और ये सब स्केलेटन्स भी उन्हीं के हैं।
वहीं काई को उस गाइड का कैमरा मिलता है जिसमें वो उस बड़े आयरेक्स को भी देखता है और तभी उसे क्वान होस्टेज बना लेता है जो अभी भी जिंदा था। वो बाकियों को कहता है कि कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा क्योंकि उसने यहाँ अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट लगा दी है और तुम लोग बाहर निकलकर सबको यहाँ की सच्चाई बता दोगे। पर तभी वहाँ वो जायंट डायरेक्स आ जाता है और मौका पाकर वो लोग काई को बचा लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर क्वान वहीं खड़ा रहता है और आयरेक्स क्वान को कुचल कर मार देता है। अब वो लोग एक गाड़ी से भागने लगते हैं और आयरेक्स अपनी पूंछ से उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंकता है जिससे उनकी गाड़ी एक चट्टान से टकरा जाती है जिसमें जैंग की टांग पर काफी बुरी चोट लग जाती है। फिर तभी आयरेक्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ स्नेक आकर उन्हें फिर से बचा लेता है और वो सब गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। अब उन दोनों की लाखों साल पुरानी फाइट फिर से शुरू हो जाती है जिसमें स्नेक शुरू में आयरेक्स पर भारी पड़ता है पर वो आयरेक्स की ताकत के सामने कमजोर पड़ने लगता है और वो उसे दबोच लेता है। ये देखकर काई उसकी हेल्प करने का कहता है तभी जियाओ वहाँ बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स पड़े देखती है और प्रोफेसर कहता है कि इसे हम आयरेक्स के पांव पर ब्लास्ट करें तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा और स्नेक को मौका मिल जाएगा उसे मारने का। फिर जियाओ उन एक्सप्लोजिव्स को गाड़ी में भरकर उनकी तरफ बढ़ने लगती है और उनके पास आकर गाड़ी से कूद जाती है। अब प्रोफेसर रिमोट से एक्सप्लोजिव ब्लास्ट करने लगता है लेकिन वो रिमोट काम नहीं करता। ये देखकर जैंग एक स्टिक पर आग जलाता है पर टांग जख्मी होने की वजह से वो सही से चल नहीं पाता तो एरी आग को लेकर आगे बढ़ती है पर वो भी रास्ते में गिर जाती है। अब काई खुद आगे बढ़ता है पर बदकिस्मती से रास्ते में ही उसके पांव का सिस्टम टूट जाता है। अब काई स्नेक को हारता देखकर हिम्मत करता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और भागते हुए आग को उन एक्सप्लोजिव के पास फेंक देता है जिससे आयरेक्स का पांव जख्मी हो जाता है लेकिन ब्लास्ट से काई दूर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब स्नेक उसे दबोच लेता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे तोड़ देता है और हजारों सालों से चलती ये जंग जीत जाता है। अब जियाओ काई को होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन काई होश में नहीं आता। तभी स्नेक भी वहां आ जाता है और काई को ऐसी हालत में देखकर दुखी हो जाता है लेकिन फिर वो जैसे ही अपनी पावरफुल आवाज निकालता है काई को फौरन होश आ जाता है जिससे वो सब काफी खुश हो जाते हैं और स्नेक को जिंदा देकर काई भी खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग उस आइलैंड से निकल आए थे और गवर्नमेंट को जैसे ही उस आइलैंड के बारे में पता चलता है तो वो उस आइलैंड को इन क्रिएचर्स के लिए सील कर देती है और उस आइलैंड को डेड बोन आइलैंड का नाम देती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी स्नेक 3 की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।